हमारे अनुरूप कार्य न हो रहा हो तो हम परिवर्तन के लिए एक बार हमारी इच्छा भी जी जी। लेकिन जब चीजों को आदमी जुड़ा हुआ है शुरू से वो काफी साल आगे काशी चली गई जी और किसी प्रोजेक्ट में आगे पिछली सरकारों के पास नहीं था, उनके पास 2031 का प्लान था कि काशी को कुछ हम डेवलप करें। जो दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है ना वही है, जान रहे कि एकदम से हम नष्ट हो जाएंगे, तो जो कहना है उत्तेजना। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। छठे चरण का जैसा कि आप सभी जानते हैं चुनाव हो गया है और सातवें चरण का चुनाव इस समय होने वाला है 1 तारीख को। ऐसे में हम वाराणसी में हैं और हमारे बीच हैं कुछ वकील लोग, ऐसे में हम इनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर, क्या है चुनाव का मुद्दा और किस विषय पर ये लोग वोट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। मैं सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष योगेश कुमार उपाध्याय, आज हमारे यहाँ पे अधिवक्ता के साथ संवाद करने के लिए माननीय योगी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ, जिनसे हमारा संवाद हुआ और जिन मांगों को हमने उनसे कहना चाहा, हमसे पहले ही वो हमारी मांगों को भाग गए, उन चीज़ों को पूरा करने का वादा किया है। चूँकि हम अधिवक्ता हैं तो हम ऐसे ही किसी को नहीं सुन लेंगे बिना समझे, तो कम से कम उन्होंने ये बताया कि हम आपके लिए क्या करेंगे, क्या चीज़ आपके लिए सुविधाएँ होंगी हमारे लिए, तो उन चीज़ों को हमने संतुष्ट किया है। संतुष्ट होने के बाद हमें ये लगता है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री चुनने के लिए, हमारा अपना सांसद चुनने के बाद के लिए हम नरेंद्र मोदी जी को जी जी पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट हमारे जो समाज का उनके साथ है जी जी, और वो पूरा विश्वास है कम से कम 10 लाख सुपर सपोर्ट से वो भी यहाँ से बीजेपी लगातार 2 बार यहाँ से मोदी सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए या फिर यही सही है? परिवर्तन हम क्यों करेंगे जब हमारे लिए मतलब इसमें कुछ हो कि हमारे अनुरूप कार्य न हो रहा हो तो हम परिवर्तन के लिए एक बार हमारी इच्छा भी जी जी। लेकिन जब चीज़ों को आदमी जुड़ा हुआ है शुरू से वो काशी के होके रहे हैं, हमेशा काशी में के बारे में सोचना, जितना उन्होंने किया है काशी के लिए जी जी। उतना हमें नहीं लगता कि आज तक कोई किया है और ना कोई कर पाएगा। लगातार उनका अथक प्रयास रहा है हमारे काशी के लिए, काशी से वो जुड़ चुके हैं, माँ गंगा के ने उन्हें बुलाया था, माँ गंगा के लिए आए थे वो, आज गंगा के बेटे की उन्होंने साबित भी कर दिया कि मैं माँ गंगा का बेटा हूँ जी जी। और उन्होंने काशी के लिए बहुत कुछ किया है, अब आगे भी वो करेंगे हमारा दृढ़ विश्वास है, इसलिए हम परिवर्तन नहीं चाहेंगे उनके साथ है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर, कुछ अहम मुद्दे रहेंगे युवाओं और बेरोजगारों के लिए और महंगाई, बढ़ती महंगाई के लिए? ये विपक्ष का हमेशा एक रहता है कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, विपक्ष और महंगाई बढ़ गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मुद्दा विपक्ष सामने है, विपक्ष उठाएगी कोई ना कोई मुद्दा तो उठाएगी जी जी। रही बात रोजगार की, रोजगार प्रॉपर निकल रहे हैं चीजें, जो योग्य हैं वो रोजगार पा भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार लोग पा भी रहे हैं। दिक्कत यहाँ आ रही है कि हर परीक्षाओं में कुछ न कुछ ऐसे लोग भी इसमें जुड़ चुके हैं जो कि कुछ न कुछ हेरा फेरी करके या ऐसे पास होना चाह रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, उनकी वजह से कुछ परीक्षाएं रुक गई हैं, जिनमें से कुछ हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इस पर उन लोग को मुद्दा मिल जा रहा है बच्चों को उठाने के लिए। लेकिन ये चीज़ें भाई जब हम परीक्षा करा रहे हैं जो योग्य हैं वो आगे ना, जो फर्जी करके अगर हम नकल मार के आ रहे हैं या कुछ न कुछ गलत रास्ते प्रयोग करके वो आ रहे हैं तो उनका तो भाई चेक करना स्वाभाविक है, तो बस उसी वजह से कुछ दिक्कतें जो भी आई हैं, वरना हमारे यहाँ नियोजन में कोई कमी ऐसी नहीं आई है और नियुक्तियों के लिए पूरा ध्यान दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? कहने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज हम लोग अधिवक्ताओं के बीच में जो आए हैं और हम लोग की भावनाओं को जो समझ रहे हैं उसको वो पूरा करें जी, और हम अधिवक्ताओं के हित के लिए जो हो सके अच्छे से कार्य को उस पर लागू। इंडिया गठबंधन से अजय राय जी हैं, क्या कुछ है उनके अंदर कांटे की टक्कर तो उनके लिए है इस बार है। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी क्या इस बार कुछ लग रहा है कि मोदी जी भी इस बार टक्कर में है, कुछ वो आ गया है अजय राय जी का चल रहा है? मोदी ऐसा कुछ नहीं, टक्कर में तो नहीं कोई अभी है जी जी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि भाई सहानुभूति उनको भी है यहाँ से, लेकिन मोदी जी को टक्कर भी नहीं दे पाएगा। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कोई और चेहरा आ सकता है मोदी जी? अभी तो कोई ऐसा चेहरा यहाँ है जी जी, ठीक है, बस जैसे ये आगे कार्य करते हैं आगे भी करते रहें, और हम लोग के लिए जो आज हम लोग अधिवक्ता गण के बीच में आए हुए हैं, हम अधिवक्ताओं को ध्यान रखते जो कुछ अच्छे से जो है वो करें जी जी, ठीक है। चलिए क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, इस बार का चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है? चुनाव इस बार विकास का मुद्दा नहीं रह गया, विकास पे कोई सरकार बात नहीं कर रही, 10 साल आगे काशी चली गई जी और किसी प्रोजेक्ट में आगे पिछली सरकारों के पास नहीं था, उनके पास 2031 का प्लान था कि काशी को कुछ हम डेवलप करेंगे,
तो प्रधानमंत्री के रहने के बाद जो सांसद हमने चुना है अपने आप में, मतलब हमने काशी का विकास देखा, काशी उनके उनका है कि काशी के साथ साथ पूरे देश सबका साथ सबका विकास लेके चले। कोई भी शहर देख लीजिए, मिर्जापुर सबसे पिछड़ा शहर माना जाता था, आप जाके उनकी सड़कें देख लीजिए, एटमोसफेयर विंध्याचल कॉरिडोर बन गया, वहाँ व्यवसाय अपने आप बिखे दे। कोई भी आस्था से रिलेटेड जहाँ भी है आप देख लीजिए, जो भी क्षेत्र है चाहे साउथ हो चाहे वो प्रदेश बढ़ा है, जहाँ पर्यटन प्रभाव किया है वहाँ उस वक्त प्रदेश प्रगति के पथ पर अपने आप चला है। तो धीरे धीरे यहाँ काशी में दो दो कॉरिडोर बन गए हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर है और वहाँ बाबा अपने यहाँ ये मतलब 10 साल में आपको लगता है बहुत ही परिवर्तन हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अजय राय जी को लाइए, नकाबपोश चेहरे हैं ये सब, ये सब काशी के लिए नकाबपोश चेहरे हैं, इनकी इनकी चेहरे को अगर खुलासा किया जाएगा तो उनके अपने क्षेत्र में चले जाइए, चितगंज क्षेत्र में चले जाइए, बता देंगे लोग मतलब किस प्रकार का क्षेत्र में नहीं काम कर रहे हैं, मतलब उनका चेहरा एकदम आप जान लेंगे अपराधी किस्म के लोग हैं। उस क्षेत्र में आएंगे तो उसी तरह का पुराना कल्चर फिर आएगा, वीआईपी कल्चर जिसको खत्म कर दिया है मोदी जी ने, सारे लोग वीआईपी नहीं रहेंगे, जिनकी जरूरत होगी प्रशासन उनको जरूरत के हिसाब से बनाएगी, मतलब अगल बगल के क्षेत्र होटल रेस्टोरेंट ये सब चलने नहीं दे रहे, कोई कोई कंपनी नहीं चलने दे रहे, हमको पहले प्रोटेक्शन मनी दीजिए तब आप काम करिएगा। तो ये कल्चर धीरे धीरे योगी महाराज जी ने और मोदी जी ने समाप्त कराया है, माफिया राज्य समाप्त करा है, अब पूरे पूर्वांचल का पूरे देश का विकास धीरे 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 सारे अपराधी आप देख ही रहे हैं अपने गर्त में जा रहे हैं। आपको लग रहा है जो वाराणसी में काफी परिवर्तन हुआ है? काफी नहीं, आगे आप देखेंगे एक फैक्ट्री अभी आई है अमूल जी, और एक फैक्ट्री आने से बहुत उधर लोकल लोगों को रोजगार मिला है। जी जी, कोई पहले हिम्मत नहीं, आईटी सेक्टर जो जानते थे कि अब चला गया बेंगलोर और सारी चीजें, वो यहाँ आने वाला था, यहाँ के माफिया कल्चर की वजह से भाग गया। उनको प्रोटेक्शन मनी चाहिए, पहले पैसा चाहिए तब आप कुछ काम करिए। अब धीरे धीरे काशी विकास की तरफ और तेजी से अग्रसर करेगी अगर हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। आप एक अधिवक्ता हैं और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर भाजपा सरकार आती है लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, संविधान। ये वही लोग हैं, वो जान रहे हैं कि इस बार जो दिया बुझने से पहले जो फड़फड़ाता है ना वही है, वो जान रहे हैं कि एकदम से हम नष्ट हो जाएंगे, तो जो कहना है उत्तेजना में हम कह लें। जी जी जी, ये आखिरी चुनाव उनको समझ में आ रहे पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे इस बार, अगर वो इस बार नहीं आते हैं सत्ता में किसी भी तरीके से, पूरी तरीके से सारा गठबंधन करके वो लोग दे चुके। मोदी जी ने भी गठबंधन, आपको भी पता है कि धीरे धीरे छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चुना है, अनुप्रिया पटेल जी हैं तो उनकी पार्टी को नहीं लिया उन्होंने, अनुप्रिया जी को लिया है, उनको एक सीट दिया है मिर्जापुर, वो आप वो क्षेत्र का विकास कर रही हैं, वहाँ अच्छे अच्छे विद्यालय और सारी चीज़ें बना रही हैं धीरे धीरे, और जनता से पूछेंगे तो सीधे सीधे आ चुका है कि क्या विकास हुआ है वहाँ, उस विकास से लोग अभिभूत। मतलब आपको लगता है मोदी जी के चलते और किसी का यहाँ पे चेहरा कभी नहीं आएगा जब तक मोदी जी रहेंगे देश में? जी, उनकी तरह पुत्र की तरह देखने वाला चेहरा नहीं है, माननीय अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, इनके एकदम कार्यकर्ता को एकदम देखते हैं कि नहीं कार्यकर्ता हमारा कितना मेहनत कर रहा है और हमारी जनता को चाहिए क्या, बेसिक नीड। अब अपनी आवश्यकताएं हम बढ़ा ले, 25,000 और 1,00,000 रुपए का मोबाइल रख ले तो अब हम कहेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो बेकार है, घर में 500 मोबाइल, 1,00,000-1.5 लाख रुपए तो मोबाइल इसी तरह पड़ा हुआ है। होली को पकौड़ी नहीं अच्छी लगती है, कह लिया कि जब रोज हम पकौड़ी खा रहे हैं और पनीर खा रहे हैं तो होली एक दिन त्यौहार आता था कि जिसमें हम लोगों को लगता था कि एक कोई उस दिन विशेष आइटम बनेगा तो हम लोगों को बड़ा आनंद मिलेगा, उस दिन का आनंद धीरे धीरे खत्म इसलिए हो गया कि रोज खा रहे हैं लोग। जी जी, तो त्यौहार रोज मनाएंगे तो और कहेंगे महंगाई है। सिलेंडर पहले सिस्टम से चलता था कि जब कोई आता था तो चाय बनाने के लिए यूज करते थे लोग, लकड़ियाँ सारी चीज़ें हम लोग, उससे एटमोसफियर भी गैस की जो बीमारियाँ फैली हैं गैस की, सिलेंडर की वजह से, गैस में बनी रोटियों की वजह से जी जी आज जो बीमारियां शरीर में लोगों को हो रही है। अब अच्छा आधुनिकता में लोग भाग गए, इस वजह से वो लोग विकास को नकार रहे हैं। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही है महंगाई तो बढ़ेगी, आप हर साल आपको नई रोड चाहिए तो पैसा तो वही आएगा ना, जो टैक्स भर रहे हैं उसी से विकास हो रहा है, तो आपको अलग से आपको कमीशन नहीं पहुँच रहा है इसलिए दिक्कत है, कमीशन खोरी खत्म हो गई है, डायरेक्ट उसके खाते में पेमेंट आता है जी जी। जिसको ठेका दिया गया है, अब बीच में नहीं कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए ये चोरों को पसंद नहीं आ रही है इस तरह की विकास। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर इस बार? चुनाव के लिए कहना है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, चुनाव शांतिपूर्ण जो सरकार है वही रहेगी, कुछ परिवर्तन होना चाहिए।
नहीं, अभी तो जो सरकार है वही चलेंगे। अच्छा, परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं कोई और बनेगा इस समय, मतलब और जो कार्य कर दे रहे हैं अभी आने वाले समय में कुछ दिनों तक कोई कर नहीं पाएगा। जी जी, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी जो हैं वही चले। ठीक है, चलिए, और कार्य हम लोग कराते रहें कि हम लोग को भी इनको चुनने का हमेशा अवसर मिले। जी जी जी, चलिए। तो ऐसे में हम इस समय वाराणसी में थे और हमारे बीच कुछ अधिवक्ता लोग थे जिन्होंने अपनी बातें रखी और इनको लगता है कि यहाँ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जो सरकार है मोदी सरकार वो रहे। ऐसे में देखते रहें भारतीय। बहुत बहुत धन्यवाद।